हेलो माइक चेक 1 2 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पाकिस्तान मैं पाकिस्तान नहीं बांग्लादेश का। बांग्लादेश का? मैं बांग्लादेश का भाई। अच्छा बात सुनो, पाकिस्तान बारे क्या जानते हो? पाकिस्तान नवाब शरीफ कौन है अभी? अभी कौन है? नवाब शरीफ है ना? नहीं, उसका छोटा भाई शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ अच्छा है। और इमरान खान? इमरान खान अच्छा है। इमरान खान अच्छा है। ज़्यादा कौन अच्छा है? ज़्यादा अच्छा है इमरान खान। अच्छा ठीक है। यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत है, मतलब बिल्कुल छत के ऊपर आके तवाफ करना और जो व्यू देखना है वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम और जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। इस वक्त सुबह के तकरीबन 8:30 बजे का वक्त है। मैं अपने होटल की लॉबी में मौजूद हूँ, अभी ब्रेकफास्ट किया और कुछ ही देर में इंशाल्लाह हरम के लिए रवाना होगा। वैसे तो अमूमन हम जोहर की नमाज के बाद ही जाते हैं हरम, लेकिन आज चूँकि जुम्मे का दिन है बहुत ज़्यादा रश होगा, इसलिए सोचा कि ज़रा टाइम पर वहाँ पर जाया जाए ताकि एक तो जगह भी मिल जाए हरम में ही और फिर वहाँ जुम्मे की नमाज़ भी अदा कर सके आसानी से। तो इसलिए अब हम कुछ ही देर में इंशाल्लाह हरम के लिए रवाना होंगे। मैं तो रेडी हो गया लेकिन बाकी फैमिली मेम्बर्स अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और हमारे जो ड्राइवर हैं वो पहुँच गए हैं, गाड़ी तैयार है, बस इंशाल्लाह चंद लम्हात में हरम के लिए रवाना होंगे। तो वहाँ के कुछ मनाजर दिखाऊँगा, दिन भर क्या एक्टिविटीज़ रहेगी वो सब भी आप जान पाएंगे। तो इस खूबसूरत से सफ़र में मेरे साथ रहिए, आपको कुछ एक्सक्लूसिव विजुअल्स भी साथ साथ दिखाता रहूँगा। तो आइए चलते हैं इंशाल्लाह हरम की तरफ। तो अभी हमारा सफ़र शुरू हो चुका है, बस ये टनल क्रॉस करेंगे और फिर हम इंशाल्लाह हरम पहुंच जाएंगे। तो ये अब बिल्कुल हम हरम के करीब पहुंच चुके हैं और यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे और फिर इंशाल्लाह हरम के अंदर एंटर हो जाएंगे। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम हरम में पहुंच चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा रश था बाहर, बेइंतहा रश है क्योंकि जुमे का वक्त है और बहुत ज़्यादा लोग आना चाहते हैं टाइम से पहले ताकि उन्हें जगह मिल सके हरम की हदूद में। तो अभी तो यहाँ पे अंदर बहुत ज़्यादा लोग पहुंचने में कामयाब नहीं हुए, हम एक दूसरे रास्ते से आ गए तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। कुछ ही देर में नमाज का वक्त होगा तो ये सारी जगह जो है ये फुल हो जानी है, फिर यहाँ पर स्पेस नहीं मिलने। तो अब ज़रा थोड़ा कुरान पाक पढ़ते हैं पाकिस्तान के लिए, आप लोगों के लिए, सब के लिए, जिन जिन ने बोला उनके लिए दुआ करते हैं। तो साथ रहिएगा, बाद में कुछ और मनाजर दिखाते हैं। الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير واصطفى سبحانه لعباده من الدين أحسنه وأقومه فقال إن الدين عند الله الإسلام من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ولما كانت غاية الإسلام
تعبيد الناس لله الواحد الديان كانت شعائره لتعظيم الرب جل جلاله ओके जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जुमे की नमाज़ अदा कर ली है और अब ये हॉल जो है वो ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। खुतबा सुनने के बाद, जुमे की नमाज़ अदा करने के बाद सब लोग अपने अपने होटल्स की तरफ रवाना हो गए हैं। तो मैं अपने घर वालों को कन्विंस करता हूँ कि होटल में जाके वहाँ पे आराम करने का फ़ायदा कोई नहीं है। जितना टाइम मैक्सिमम आप हरम में गुजार सकते हैं उतना अच्छा। तो मैंने अपने वालिद और वालदा को बोला कि आप यहीं पर रहें, वो कुछ देर के लिए वॉशरूम जाना था तो वो मैं उन्हें ले गया। तो अब दोबारा वजू करके हम यहाँ पर आ गए हरम में। तो जहाँ पे बाकी सब लोग अब देख सकते हैं कि जो लोग यहीं पर रुकना चाहते हैं वो अब कुछ देर के लिए आराम कर रहे हैं ताकि अगली नमाज से पहले वो थोड़ा सा आराम भी हो जाए और वो कैलूला जिसे सुन्नत बोलते हैं वो भी पूरी हो जाए। तो लोग अब यहाँ पर आस पास थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे हैं, तो हम भी बस 10-15 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा आराम करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे तवाफ़ के लिए। मताफ़ में तो नहीं जा सकेंगे क्योंकि वहाँ पर तो सारे वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने उम्रा करना हो और अहराम पहना हो। अब पाबंदी है, अहराम के बगैर आप नहीं जा सकते। तो हमने चूँकि पहले उम्रा अदा कर लिया है अहराम पहन के, तो इसलिए अब इन कपड़ों में तो हम मताफ़ में नहीं जा सकेंगे, लेकिन उसकी बलाई मंजिल पर हम तवाफ़ ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा लंबा तवाफ़ हो जाता है, थोड़ा मतलब थक भी जाता है, गुज़िश्ता रोज़ भी किया, लेकिन जब सारा दिन रहना ही हरम में है तो फिर और करने के लिए है कुछ नहीं, तो बस तवाफ़ कर लें या इबादत कर लें, तो यही मैक्सिमम हो सकता है। तो आप लोगों के लिए भी बहुत सारी दुआएं करेंगे, लेकिन अब चूँकि सारे लोग आराम कर रहे हैं तो कुछ देर के लिए आराम करते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं। तो आराम के लिए हमने अपना जो सामान है इसी को अपना तकिया बना लिया है, तो कुछ देर के लिए यहाँ पर आराम करके फिर इंशाल्लाह हरम की जानिब रवाना होते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करना है। ओके जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने असर की नमाज़ भी अदा कर ली जमात के साथ और अब तवाफ़ का वक्त है। थोड़ी देर के लिए बाहर निकले, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तवाफ़ के लिए हमें दूसरा रास्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी तो हम इस बिल्डिंग में थे जो तौसी है हरम की, अब हमें दूसरी साइड पर जाना है गेट बदल कर, तो वहाँ पर चलते हैं और कुछ आप लोगों के लिए दुआ करते हैं, कुछ पाकिस्तान के लिए। साथ रहिए। ओके जी, तो इस वक्त मैं बिल्कुल हरम की बलाई मंजिल पर आ चुका हूँ, यानी छत के ऊपर, और यहाँ पर भी तवाफ़ का सिलसिला मुसलसल जारी है। यहाँ पर पहले ये बाड़ नहीं लगाई हुई थी, जब मैं पहले उमरा करने के लिए आया था तो हम बिल्कुल करीब जाके इस जाली के पास जाके भी देख सकते थे और बहुत क्लियर व्यू नज़र आता था। लेकिन अब चूँकि कुछ यहाँ पे वाक़यात ऐसे हुए जिसके बाद सिक्योरिटी मेजर्स के लिए अब यहाँ पर ये बाड़ लगा दी गई है, ये ग्रीन ग्रीन जो बैरियर्स हैं, और फिर पुलिस एहलकार भी खड़े रहते हैं ताकि लोग आगे ना जा सकें। लेकिन यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत है, मतलब बिल्कुल छत के ऊपर आगे तवाफ़ करना और जो व्यू देखना है वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है।